बिलासपुर के जो वासी हैं या बिलासपुर अरपा नदी से के किनारे जितने भी वासी हैं, नगरवासी हैं, बस्ती है, कस्बा है, गांव है, उनके लिए किस तरह की क्या योजना ताकि वो जल से भी संबंधित संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ कर पाएं, तो कुछ आप लोग ऐसा कुछ योजना भी तैयार कर रहे हैं इस पे? देखिए, नरवा जो प्रोजेक्ट बना है उसके पीछे तो जल संवर्धन है, लेकिन नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, ये जितने चीज बने हैं उसमें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए भी योजना उसमें जुड़ी हुई है। और चाहे वो कृषि काम करें या सब्जी उगाने का काम करें, चाहे हॉर्टिकल्चर के काम करें, जो भी करें करना चाहे, तो उसके लिए भी योजना बनी हुई है। और ये तो एक पहला है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है इस प्रकार से नदी नालों का संरक्षण और संवर्धन का काम और विकास के लिए प्राधिकरण का काम जो पूरे प्रदेश में कर रही है। और आने वाले समय में इसका और स्वरूप और आपको नए नए उसमें दिखेगा। पहले तो जो बिलासपुर के अरपा प्राधिकरण को हम बहुत शुभकामना देते हैं कि अच्छा करके दिखाएगा, शहर के दिशा और दशा बदलेगा, और आएंगे तो देखेंगे कि वे बिलासपुर के एक हृदय स्पंदन ये नदी है जिसका स्वरूप आज बदला हुआ है। पहले हम देखते थे कि पूरा गंदगियों का वो जो है एक अंबार पड़ा रहता था, लोग कचरा का डंप यार्ड बना रहे थे, लेकिन आज उसका बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है आने वाले समय में, और एक नए स्वरूप में दिखेगा जो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और हमारी समृद्धशाली संस्कृति के लिए एक धोतक के रूप में एक उदाहरण लोगों के सामने होगा।